भारतीय सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर शंकर अपनी नई फिल्म 2.0 के साथ में तैयार है। फिल्म का पहला लुक तो नवंबर 2016 में रिलीज किया गया था, लेकिन बढ़ती रिलीज डेट के बाद ये 2018 में आके फाइनल रिलीज डेट तय की गई है। दोस्तों आपको बता दें, बीते दिनों निर्माताओं ने 2.0 का टीजर रिलीज किया था, जिसे सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया, लेकिन लोगों ने इसे नकारात्मक भी बताया। कई लोगों ने VFX को लेकर शिकायतें की तो कईयों ने कहा कि अक्षय कुमार के फैंस इसके लिए काफ़ी ज़्यादा राजी नहीं हैं, क्योंकि टीजर में अक्की को बहुत ही कम स्पेस दिया गया था। अक्षय कुमार के फैंस से इस तरह के नकारात्मक रिएक्शन पाने के बाद 2.0 के निर्माताओं ने फैसला लिया है कि ट्रेलर में अक्षय कुमार को रजनीकांत से ज़्यादा स्पेस दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 2.0 के निर्माता अक्षय कुमार के फैंस को निराश नहीं करना चाहते। वो जानते हैं कि अक्षय कुमार को हिंदी भाषा दर्शक कितना पसंद करते हैं। अगर वो दर्शक अक्षय कुमार के लिए उत्साहित हैं तो फिल्म की कमाई पर भी असर पड़ेगा, इसलिए अक्षय कुमार को अब ज़्यादा स्क्रीन स्पेस देने का फैसला लिया गया है। फिल्म मुताबिक दोस्तों अक्षय कुमार का किरदार जो है वो काफ़ी भयंकर है और काफ़ी ज़्यादा भी है। टीजर में उनको इसलिए कम दिखाया गया ताकि उनके करेक्टर को लेकर लोगों में रोमांच बना रहे। फिल्म अभी कुछ भी ऐसे नहीं करना चाहती जिससे कि अक्षय का कैरेक्टर पहले ही लोगों के सामने आ जाए, इसीलिए टीजर में उन्हें काफ़ी कम दिखाया गया था, क्योंकि अक्षय फिल्म के टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ट्रेलर में अक्षय को ज़्यादा स्पेस दिया जाना एक सही निर्णय है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि आने वाली खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले।